हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि बांडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांडा उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन इन्वाइटेड है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट करते हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर एट बांडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांडा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम और पोस्ट मेंशन कर रखा है, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट मेंशन कर रखा है और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है अनरिजर्व ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लिए एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी चाहिए, साथ ही साथ जो सब्जेक्ट यहाँ मेंशन कर रखा है वो भी यहाँ पे देखिए। फॉर एग्जांपल, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखिए 1 है, अनरिजर्व में 1 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और ये पोस्ट जो है वो अनरिजर्व में है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि आपका जो है क्वालिफिकेशन किस सब्जेक्ट में है और आप जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसे देखिए, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में भी एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जो वैकेंसीज को निकाला गया है, ऐसे ही कॉलेज फर्स्टी में आप देख सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो टोटल आप देख सकते हैं 29 वैकेंसी, जिसमें से 12 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व है, 8 वैकेंसी ओबीसी हैं, 7 एससी है और 2 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो देखिए, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका प्लांट या एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो हैशटैग करके रखा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो आप जो है ये सब देख सकते हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन है तो और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पे ग्रेड की। तो अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे लेवल 14 का पे ग्रेड मिलेगा, वही अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो लेवल 13A का, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो लेवल 10 का जो है यहाँ पे आपको पे ग्रेड दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 का जो है एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 750 रुपीज़ का जो है एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये जो फ़ी पेमेंट है आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, कंट्रोलर बांडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांडा यूपी, पेएबल एट बांडा यूपी, और आपको सेंड कर देना है बाई रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट और ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट 30 जनवरी। तो 30 जनवरी से पहले जो है आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर टेस्टिमोनियल्स एंड दिस डिमांड ड्राफ्ट दिस शुड बी सेंड बिफोर 30 जनवरी 2021। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको अगर एस सी या एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अदर स्टेट के तो आपको जो है यहाँ पे कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाएगा और वहाँ पे आप जो है एज अ जनरल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है एज भी दे रखा है कि आपके एज कितना होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ 40 इयर्स जो है आप 40 इयर्स तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मेंशन कर रखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरत हैं। इसके अलावा ऑलरेडी मेंशन किया मैंने 30 जनवरी जो है 2021 तक आपका जो है हार्ड कॉपी पर पहुँच जाना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो क्या क्या आपको भेजते हैं, तो देखिए बैंक ड्राफ्ट भेजना है आपको, 1 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फॉर पर्सनल ऑफिस रिजर्वेशन, अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है फिल लाइक सेल्फ अटेस्ट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वो भेज देने हैं। ठीक है, और 30 जनवरी 2021 तक जो है शाम 5 PM तक आपके जो ये जितने डॉक्यूमेंट है वो सारे पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मेंशन क्या करना है, अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो आप मेंशन करिए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा 21001 उत्तर प्रदेश। तो ये एड्रेस इन्होंने ऑलरेडी जो है मेंशन कर रखा है, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म इज शुड सेंड टू दिस एड्रेस। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है कि अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, पीएचडी डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि आप किस पोस्ट के लिए क्या अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीएससी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ आपका नेट होना चाहिए क्लियर, चाहे यूजीसी, सीएसआई, यूजीसी नेट,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और इसमें देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको जो है A1 पब्लिकेशन भी होना चाहिए नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस न्यू दिल्ली में इन अ रिफरल टेंडर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो यहाँ मेंशन कर रखी, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।